आज की हमारी इस ऑनलाइन में हम बात करने जा रहे हैं टैक्स फॉर्मूला की। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे टैक्स कैलकुलेशन फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला कैटेगरी में हमने अभी अभी लॉजिकल फॉर्मूला को खत्म किया। तो लॉजिकल फॉर्मूला के बाद हम बात करने जा रहे हैं टैक्स कैटेगरी। तो टैक्स में सबसे पहला फॉर्मूला आता है बैटैक्स का, लेकिन बैटैक्स का फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करता है लेकिन यूज करता है थाई लैंग्वेज। थाई लैंग्वेज, हाँ। ये देखिए, अब मुझे कैसे पता चला, मैंने उसको उठाया और सीधे कॉपी पेस्ट मार दिया डायरेक्ट लैंग्वेज की, मैं क्या आया लैंग्वेज में चले। लेकिन इसका मान लो इसी तरह का फीचर चाहिए आपको इसमें नंबर्स में का इंग्लिश में, तो उसके लिए फिर कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हम लोग वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से यूज करते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा उसको, सिंपल है, बड़ा नहीं है। अब यहाँ पे आता है कैट। जैसे कि किसी भी करेक्टर को आप कोड फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका स्काई वैल्यू दे देता है 65, वापस हम कैट फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका करेक्टर दे देता है ए, तो कैर कोड देखना जाता है इसके लिए। लेकिन इसमें इसका भी बेनिफिट है जो कि हम आगे बताएंगे आपको। अब बात करते हैं दो सूचना फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया, उसमें देखेंगे कि अनवांटेड स्पेस है, चाहे बीच में है या स्टार्टिंग में होता है या एंडिंग में होता है, ठीक है, क्या है इसमें ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम का फॉर्मूला। ट्रिम फॉर्मूला में ऐसे अनवांटेड स्पेस हम रिमूव कर सकते हैं। और जहां का स्पेस को ट्रिम करना है उसको सेलेक्ट कर लिया, राइट जी हाँ। लेकिन ये स्पेस को रिमूव नहीं करता है, स्पेस को रिमूव नहीं करता, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है, स्पेस को नहीं, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे सुजीत लिखते हैं और ऑल्ट एंटर मार के यहाँ कुमार लिखते हैं। जी ऑल्ट एंटर एक साथ मारिए तो ये हो जाता है। हाँ रैप, इसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं यहाँ से। रैप आपको मैंने फॉर्मेटिव क्लास में बताया भी था, आई थिंक आप भूल गए। तो अब इसको अगर ट्रिम कर देते हैं आप तो क्या होगा, देखिए सुजीत कुमार दिख रहा है, रेन निकाली, रेन क्या दे रहा है 12, मैनुअल काउंट कीजिए तो 11 है मेरे नाम में लेटर, सुजीत 6, 5 कुमार, जिसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जो कि वजूद में तो होता है पर प्रिंट नहीं होता है। आपके पास एक्सपी होता, एक्सपी मेरे पास विंडो होता, तो आप देखते टी और के बीच में एक बॉक्स के अंदर में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ठीक है, तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं क्लीन। क्लीन क्या करता है, इस तरह के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। 11 हो गया लेन, तो याद रखिएगा जहां आप ट्रीम लगाए वहां पे आप क्लीन जरूर लगाए, क्लीन लगाना चाहिए, जहां क्लीन लगेगा वहां ट्रीम जरूर लगेगा, इसका ध्यान रखिएगा।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे तो इसके बीच में स्पेस चाहिए था, मतलब कि मैं किसी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमने क्या किया कि नंबर इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और मुझे इनके बीच में डॉट को डैश कन्वर्ट करना है, तो एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल के अंदर किसी अनोदर करेक्टर को किसी अनोदर करेक्टर के साथ रिप्लेस करता है, डॉट को डैश कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला रिप्लेस का भी होता है। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि इसमें से पोजीशन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला ऊपर वाले में कि भाई इसमें जाओ और फाइव लेटर, पांचवा लेटर, चौथा लेटर से एक करेक्टर को डैश करना, उससे इसको कोई मतलब नहीं कि डॉट है डैश है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, ये पांचवा करेक्टर से एक करेक्टर को बना देगा। तो ऊपर वाला क्या है कि करेक्टर को ढूंढेगा, जितने भी करेक्टर होंगे उसको अलग कर देगा, और नीचे वाला क्या करेगा वो करेक्टर के हिसाब से अलग करेगा। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कैसे लगा, क्योंकि तो यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूट लगा, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, तो इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें ऑल्टरनेटिव थोड़ी मारूंगा मैं, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पे मेरा ये जो कैर कोड वाला है वो यूज होगा। जैसे मैं एक सेल पे ऑल्टरनेटिव प्रेस करके मैं इसका कोड देख लूंगा कि इसका कोड क्या है। 10 मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूला के अंदर में 10 दूंगा तो सेम करेक्टर आएगा। यहां मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला इस्तेमाल करते समय इसको सिलेक्ट करता हूं और ओल्ड टेक्स्ट में मैं कैर 10 दे देता हूं और बोलता हूं भाई स्पेस। तो आप देखेंगे कि सुजीत कुमार के बीच में स्पेस आ गया। क्लियर है सर? मैम ज्योति जी, क्लियर हुआ है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला? तो आपने एक फॉर्मूला लिया कोड का जो कि करेक्टर का कोड निकालता, एक फॉर्मूला लिया कैर का, आपने ट्रिम से फॉर्मूले को ट्रिम किया, क्लीन से फॉर्मूले को क्लीन किया, लेंथ फॉर्मूले से आपने क्या किया लेंथ निकाला। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना, तो आपने यूज किया सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। और दूसरा इसमें अगर मान लीजिए मुझे पोजीशन के हिसाब से कि पांचवा नंबर छठा नंबर करेक्टर किसी अनोखे करेक्टर से रिप्लेस हो जाए, तो हमने यूज किया रिप्लेस फॉर्मूला। और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में अगर मुझे ऑल्ट एंटर डालना है तो ऑल्ट एंटर का कोड होता है 10, तो कैर के अंदर में 10 लिख दिया, तो उसको मैं ऑल्ट एंटर जो रैप टेक्स है उसको हम किसी अनोखे करेक्टर से स्पेस या कोई एक्स करेक्टर से रिप्लेस कर सकते। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने दिया कैर 10 से आपने जो इसे रिप्लेस किया, यानी कि इसका मकसद है बीच के जो भी स्पेस को ट्रिम करना, नहीं बीच में स्पेस देना, राइट? सुजीत कुमार के बीच में क्या सेपरेट है, कौन सा है? रैप टेक्स है ना? हेलो, ट्रिम कर दिया इसमें? नहीं नहीं नहीं, सुजीत और कुमार के बीच में सेपरेट है क्या है? समझे?
सुस्थित और कुमार के बीच में सेपरेट मतलब कि कोई एक्स्ट्रा कॉर्ड है, रैप्टेक्स है ना, ऑयल फिल्टर है ना, वो ऑयल टेंडर को फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो शॉर्टकट है ना वो। तो ऑयल टेंडर भी एक तरह का करेक्टर है, इसका कोड जो है 10 है, और किसी भी कैरेक्टर को कोड को कैर फॉर्मूला में रखेंगे उसका कैरेक्टर आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो ट्राई करके देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ज्योति जी सर, सारे फॉर्मूले एक बार ट्राई कीजिए। हाँ जी सर। तो बेसिक मैंने बताया आपको, अगर बेसिक समझ जाते हैं तो कल इसका एडवांस बताऊंगा। ठीक है सर, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं ट्राई करूंगा। फिर मैं आपको कल दूंगा, आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर दिया, आपको बता दूंगा।